अमित शाह का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, महाविकास अघाड़ी की बढ़ेंगे मुश्किलें। महाराष्ट्र के लिए अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। क्या बीजेपी का संकल्प पत्र दिलाएगा महायुति को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत? तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे। नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। इस बीच बीजेपी राज्य के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। अब जब संकल्प पत्र का नाम सामने आया है तो इससे महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर बात हम करें तो महायुति सरकार राज्य में लाडली बहना स्कीम चला रही है, जो कि काफी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर है और लोग इस स्कीम की तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी को इस बात की टेंशन है कि अब अमित शाह अपने संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता से कौन सा वादा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले बीते रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें राज्य में यूसीसी लागू करने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालने जैसी कई सारी घोषणाएं की गई थी। आपको बता दें कि महायुति जो कि लाड़की बहन योजना को ध्रुव के पत्ते की जैसा मान रही है, तो ऐसे में बीजेपी गठबंधन ने लाड़की बहन योजना की राशि 1500 रुपए से बढ़ा करके 2100 रुपए करने का वादा किया है। साथ ही पुलिस में 25,000 युवा महिलाओं को नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें कई सारे लोक लुभावन वादे जो हैं वो राहुल गांधी की ओर से किए गए हैं। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। खासकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि पहले जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम वहां तो अपना वादा वो पूरा कर ले, उसके बाद वो महाराष्ट्र आए और महाराष्ट्र की जनता से वादा करे। लेकिन उससे पहले अमित शाह का यह बयान सुन लीजिए, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान। जो भी षड्यंत्र हो राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं, 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई, किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखोल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है और नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय किया है, जो बाबा साहेब अंबेडकर को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमने, अगर चुनाव जिस तरह से चल रहा है इसमें ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं आपको वादा करता हूं इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सालाना हर वयस्क माता बहन को 25,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम हमारी झारखंड की सरकार। आपको बता दें, वहीं अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस ने ये कहा है कि वो प्रति महीने महिलाओं को 3,000 रुपए देगी महालक्ष्मी योजना के तहत। इसके अलावा मुफ्त में लड़कियों को बस यात्रा, किसानों को 3,00,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने और नियमित ऋण चुकाने के लिए 50,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि, जाति जनगणना, 50% आरक्षण सीमा को हटाना और 25,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगार युवाओं को मुफ्त दवाइयां और 4,000 रुपए माह तक की सहायता शामिल है। आपको बता दें कि राज्य के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं, साथ ही राहुल गांधी की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसी कई जगहों पर ऐसे वादे किए हैं, लेकिन बाद में वो ये कहते हैं कि प्रिंटिंग में गलती हो गई है। फिर वो ये कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वे केंद्र से पैसा मांगते हैं। ये झूठे हैं और धोखेबाज लोग हैं, वे भरोसेमंद लोग नहीं हैं। कांग्रेस ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि वे खटाखट पैसे देंगे। सुनिए एकनाथ शिंदे का ये बयान, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी की भी जमकर आलोचना की। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नियत झूठ है, नियत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, महायुति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। और जिन्होंने ये लाडली बहना के खिलाफ कोर्ट में गए, महालक्ष्मी लेकर आ रहे हैं सर, 3,000 देंगे और स्टाइपेंड किसानों के लिए भी वादे किए हैं। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं, उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो, खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पट पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। लेकिन सर वो कह रहे संविधान में, अभी संविधान का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो है वो बना रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। दरअसल आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि अगर उनकी यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए उनके खाते में खटाखट भिजवाएगी। अब इस स्कीम का जिक्र जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव में होने लगा है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका की जनता से वादा किया था और अब उस वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, इसको लेकर के भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से हमला करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने कई सारे वादे किए थे, लेकिन आज की डेट में हिमाचल प्रदेश दिवालिया होने की कगार पर है। वहां पर मुख्यमंत्री सुक्खू के अलावा कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, वो अपना वेतन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आज राज्य की जो दिवालिया स्थिति है, आर्थिक तंगी से राज्य जूझ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में तो बीजेपी ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फटकार लगाई थी वहां के नेताओं को और ये कहा था कि यदि आप जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकते तो आपको वादे नहीं करने चाहिए। और कर्नाटका से भी तस्वीरें सामने आती है कि कैसे जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रही हो रहा है। ऐसे में हिमाचल का मामला हो या फिर कर्नाटका का मामला हो, अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लाडकी बहन योजना जो कि ऑलरेडी राज्य में बीजेपी और महायुति के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और इससे बीजेपी और महायुति को सपोर्ट पूरी तरीके से महिलाओं का मिल रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन देखने को
मिली थी मध्य प्रदेश के चुनावों में, राजस्थान के चुनावों में और हरियाणा के चुनाव में। तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अमित शाह अपने संकल्प पत्र के जरिए ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं जिससे राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़नी लाजमी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।